हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ब्यूटीफुल सा पेटूनिया प्लांट खरीदा है। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास हैंगिंग बास्केट नहीं है। तो मैंने सोचा मैं DIY करने जा रही थी अपने प्लांट्स के लिए हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए इसे, ताकि आप भी बहुत ही कम कीमत पे हैंगिंग बास्केट तैयार कर पाएं। क्योंकि हम में से कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो गार्डनिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वो बहुत एक्सपेंसिव लगती है, पर हमारा मकसद है कि हम अपनी गार्डनिंग को सस्ता बनाएं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो उनमें से है, ये देखिए, ये एक छोटा सा टब है। ये 20 रुपीज़ का मिल जाता है मार्केट में। देखिए मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना लिए हैं। और चाहिए आपको एक डोरी, आप कोई भी डोरी ले सकते हैं। देखिए मैंने माइक्रम डोरी ली है। ये थोड़ी ज़्यादा स्टर्डी होती है और आप चाहें तो सुतली या फिर कोई और दूसरी रस्सी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इन दो ही चीज़ों से हम अपनी हैंगिंग बास्केट बनाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेटूनिया को प्लांट को इस हैंगिंग बास्केट में लगाना है और कैसे इसकी केयर करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हैंगिंग बास्केट बनाना सबसे सस्ती कीमत पर। सबसे पहले हमें इस टब को उल्टा करके इसके बेस को मेज़र कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मेज़र करके इसके साइज़ की डोरी को कट कर लेना है। और इसके बाद हमें जिस हिसाब से अपनी बास्केट को लंबा और छोटा बनाना है उस हिसाब से तीनों डोरियाँ कट कर लेनी हैं। ये देखिए, इसके बाद आपको इसके बेस में जो हमने डोरी पहले कट की थी उसको अच्छे से नॉट लगाकर टाइट कर देना है। इस तरीके से नॉट बहुत ही मजबूती से लगाइएगा ताकि वो खुले नहीं। इसके बाद आप जो हमने तीन और डोरियाँ काटी हैं उनको हम इस तरीके से लेकर नॉट लगा लेंगे। आप नॉट अपने हिसाब से लगा लीजिए, जिस हिसाब की नॉट आप लगा पाएँ, बट नॉट खुलनी नहीं चाहिए। इसका दूसरा सिरा भी हम दूसरी तरफ नॉट लगाकर बांध देंगे। ये देखिए, नॉट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी हमारी हैंगिंग बास्केट। अब हम बाकी जो दो डोरियां हमारी बची हैं उनको भी हम इसी तरीके से बांध लेंगे। ये देखिए, बांधने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसके बाद हमें इसके जो लास्ट के सिरे हैं उनको एक साथ ले लेना है। लेकर हमें इसे हैंग करने की जगह बनानी है इसमें, इसलिए हमें इसे इस तरह से लेकर, ये देखिए, इन सारी डोरियों को एक साथ लेंगे हम और इस तरीके से नॉट लगा देंगे ताकि हम इसे कहीं पर भी हैंग कर पाएँ। आप चाहें तो इसमें पर्दे लगाने वाला एक हुक लगा सकते हैं। जैसे आपको इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे बहुत ही सस्ता बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसमें हुक नहीं लगाया है। ये देखिए, हमारी हैंगिंग बास्केट बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसमें लगा लेते हैं अपने पेटूनिया को। बनकर तैयार हो गई ना हमारी सस्ती हैंगिंग बास्केट। अगर आपको भी ये हैंगिंग बास्केट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ड्रेनेज होल पर हम इस तरीके से गमले के टूटे हुए टुकड़े रख लेंगे ताकि ड्रेनेज होल बंद ना हो मिट्टी की वजह से। ये देखिए, इसके बाद देखिए जो हमने ये पॉटिंग मिक्स ली है इसमें हमने 40% कोकोपीट और 20% गार्डन सॉयल और 20% हमने ली है नदी की रेत और हमने 20% ली है वर्मी कंपोस्ट। अब इसको हम अपने हैंगिंग बास्केट में डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से भरने के बाद हम फ्रेंड्स पेटूनिया को 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती रहे। ये देखिए, अब इसे हम पॉलीबैग से निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी पेटूनिया को पानी दें आप इसकी पत्तियों और फ्लावर को कभी पानी ना दें। इट मीन्स कि इसे स्प्रे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसके प्लांट पर पानी देंगे तो इसकी पत्तियाँ सड़ जाएंगी और ये प्लांट मर जाएगा। इसलिए आप जब भी इसको पानी दें आप इसकी सॉइल में पानी दें, कभी भी इसके पत्तों पर या फिर फ्लावर पर पानी ना दें। वैसे तो पेटूनिया बहुत इजी टू ग्रो फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अच्छा फ्लावर देता है, पर बस इसे पानी बहुत कम जरूरत होती है इसे पानी की। ये देखिए, इस तरीके से पूरे गमले में हम मिट्टी लगा के अच्छे से दबा देंगे ताकि पूरी एयर बाहर निकल जाए। ये देखिए, अगर पेटूनिया प्लांट को आप अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, ये अच्छे से ग्रो भी करेगा, बस इसमें बर्ड्स नहीं आएंगी और फ्लावर नहीं आएंगे। इसलिए इसे 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप इसे फरवरी के बाद थोड़ी शेड एरिया में रखेंगे तो ये मार्च अप्रैल तक आपको फ्लावर देते रहेगा। कुछ दिनों में ये पेटूनिया इस हैंगिंग बास्केट को पूरा कवर कर लेगा। इसलिए इस हैंगिंग बास्केट में मैं सिर्फ एक प्लांट को लगा रही हूँ, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। चलिए अब मैं इसे आपको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे अभी तो मैंने इसे अपने गेट पर लगाया है। ये देखिए, आप इस तरीके से इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।